आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ये स्प्रे वाली सर्विस का बड़ा चलन चल रहा है। कुछ कंपनी जो है जो एड निकाल के मार्केट में ये कर देती हैं कि उनकी फोम सर्विस से बहुत अच्छी सर्विस हो जाती है, और बहुत से टेक्नीशियन जो है उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आप लोगों से 700-800 रुपये ले लेते हैं उस 500 रुपये वाली सर्विस का। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने हज़ार हज़ार 1200-1200 रुपये सिर्फ उस फोम की सर्विस का दे दिया है। एक्चुअल में वो एक छलावा है, और मेरी आज की ये वीडियो डलने के बाद बहुत से लोग मुझे गालियाँ देंगे। कुछ लोग वो होंगे जिन्हें काम नहीं करना आता है, और बहुत से लोग वो होंगे जिनकी जेब भरती है सिर्फ ऐसे ही आप लोगों को बेवकूफ़ बना के। तो देखो, आपने ऐसी कॉइल्स कई बार जब आपका एसी खुलता होगा तो आपने अपनी कॉइल देखी होगी, एसी की स्प्लिट, एसी की विंडो, एसी की कॉइल ऐसी ही होती है, बस उनका डिज़ाइन अलग होता है। तो जब कॉइल आपकी गंदी होती है ना दोस्तों, जब गंदी होगी तभी तो उस पर स्प्रे का फ़ायदा होना चाहिए। अगर वो पहले से ही साफ है तो उस पर स्प्रे का फ़ायदा क्या है? देखिए कितनी कितनी गंदी है ये कॉइल, दिख रही होगी आपको। जब पहले से ही कॉइल साफ होगी उसके ऊपर स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं होता है। जब इतनी गंदी कॉइल होती है तब उसका डस्ट, उसकी गंदगी निकलना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर इतनी गंदी भी है तो क्या वो स्प्रे काम करता है उस जगह, जो फोम सर्विस जिसे कहते हैं, क्या वो स्प्रे उस पे उसकी गंदगी को निकाल पाता है? आधे हिस्से में हम फोम डालते हैं, और फिर उसके बाद जब तक ये फोम पिघल जाएगा उसके बाद हम इस पर थोड़ा पानी डाल के देखेंगे, वो भी इस मग्गे से। क्योंकि जब स्प्रे से जेट से सर्विस करनी है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे वो जेट से जो है ना वो अपने आप ही सफाई कर देता है। लेकिन हम इस स्प्रे को मारने के बाद हम डब्बे से पानी डालेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको कितनी देर में ये फोम मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा, फिर उसके बाद इस पे पानी डालेंगे। देखो दोस्तों, आपके सामने ही मैंने इस पे फोम स्प्रे किया था जिससे सर्विस करते हैं, ये देखिए। कि वही है। अब इसको थोड़ा सा हम धो के देखते हैं, एक मग्गा दो मग्गा पानी डालते हैं इस पे, देखते हैं क्या चेंज आएगा। लो जी, अब इस पे हम जो है एक मग्गा पानी डालते हैं। देखिए आपके सामने पानी डाल रहा हूँ दोस्तों, पानी है बिल्कुल साफ पानी है। अब देखिए अब इसको लेटा के भी डाल देते हैं। ये देखो दोस्तों, अब इसको लेटा के पानी डालते हैं, देखते हैं कितनी गंदगी हटी होगी फोम स्प्रे से। बताइए दोस्तों आपको फोम स्प्रे सर्विस कैसी लगी? गंदगी वहीं की वहीं है, देखिए गंदगी हटी ही नहीं है। ये देखिए हर जगह पानी डाला आपके सामने। तो देखा दोस्तों आपने, इस फोम स्प्रे से कुछ नहीं होता है। आप हजार हजार रुपए 1500-1500 रुपए इस चीज का मत दो, ये ठगते हैं लोग आपको, इससे कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ देखने में थोड़ा सा मन को रिझा देता है,
कस्टमर को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है इससे, पता नहीं कितनी अच्छे से सर्विस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, क्योंकि ये स्प्रे थोड़ा सा आपको अच्छा लग जाता है इसलिए आप पैसे दे देते हो उसको, नहीं तो आप 500 रुपये में जो नॉर्मल जेट सर्विस होती है उससे भी बहुत अच्छी सफाई पा सकते हो। और जेट सर्विस की जरूरत इसको भी है, अगर ये फोम स्प्रे आप डलवाते भी हो तब भी बिना जेट के वहां से गंदगी नहीं जाएगी। वैसे तो मुझे गालियां पड़ने वाली है, मुझे बहुत से लोग गालियां वैसे भी कमेंट्स में देते रहते हैं, लेकिन मुझे उस चीज से कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि माल नहीं है, मेरे पास काफी पैसों का माल पड़ा हुआ है, इस चीज की परवाह नहीं है कि मेरा पैसा खराब हो जाएगा, मेरा माल नहीं बिकेगा। माल तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर लेगा, इस दुनिया में समझदार लोग भी हैं और बेवकूफ लोग भी हैं, तो वो तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, निकल जाएगा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप लोगों के साथ कभी कोई गलत ना करे, आपको इस चीज की नॉलेज हो जाए। किसी भी कंपनी के झांसे में बताओ, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर भी ये देखो पूरे पर रैप किया हुआ है, मैं किसी भी कंपनी का नाम बदनाम नहीं करना चाहता, जिसका जो काम है वो करता रहे, लेकिन मेरा काम था आप लोगों को सच्चाई बताना, तो ये आपके सामने थी। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका अपना चैनल है, इस पे हम टेक्निकल नॉलेज देते हैं हर उस इंसान को जो अच्छा काम करता है या अच्छा काम करवाना चाहता है, जैसे कस्टमर और अच्छा काम करने वाले टेक्नीशियन। तो आगे फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों।